हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपर्णा वंडर वर्ल्ड। और आज का जो वीडियो है, जो रेसिपी है, वो रिक्वेस्टेड रेसिपी है। मैंने सोचा नहीं था कि मैं इसका वीडियो भी बनाऊंगी, लेकिन बहुत फ्रेंड्स के रिक्वेस्ट आए हैं तो मैंने सोचा चलो एक छोटा सा वीडियो बना लिया जाए। तो आज हम बनाने वाले हैं बताशे। जैसे किसी को मीठा खाने का मन हो और अगर हैवी मीठा नहीं खाना है कि इस डेज़र्ट से पेट बहुत भरा हुआ लग रहा है, तो आप ये मीठा, ये बताशे खा सकते हैं। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं डले हैं, तो ये बहुत ऑर्गेनिक है, नेचुरल है, तो आप ये खा सकते हैं। और जैसे प्रसाद में भी आपको या नैवेद्य के लिए भी बनाना हो तो आप ये बना सकते हैं। अगर आपके पास वो वाइट वाले चिरौंजी दाने नहीं हैं तो ये फटाफट घर में बन सकते हैं। बहुत ही ईजी और सिंपल मेथड है, बहुत सिंपल रेसिपी है। सिर्फ 3 इन्ग्रीडियंट्स चाहिए हमें। तो चलिए हम देखते हैं इन्ग्रीडियंट्स। सबसे पहले शुगर चाहिए है, ये 1/4 कप लिया है मैंने शुगर। बेकिंग पाउडर 1/4 टीस्पून एंड पानी 2 टीस्पून। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं बताशे। एक पैन लेंगे, इसमें हम डालेंगे अपनी शक्कर और ये पानी। इसको अच्छे से मिक्स करते हैं और ये पूरा चाशनी का ही खेल है। इसे बहुत ही ध्यान से बनाएं, केयरफुल होके। बहुत ज़्यादा भी हमें नहीं पकाना है क्योंकि ये फटाक से जम जाता है, बहुत जल्दी ये जमता है। ओके, तो देखिए गैस की फ्लेम मैंने मीडियम रखी है। अगर आपको याद होगा तो हमारी दादी नानी के पास ऐसे चॉकलेट्स या शुगर कैंडी रहती थी हमेशा, जो फ्लेवर्ड होती थी मैंगो, एप्पल, ऑरेंज, इस तरह से। तो फ्लेवर्ड होती थी, बस ये वही चीज़ है। हम वाइट बना रहे हैं विदाउट फ्लेवर। सबसे बेस्ट पार्ट तो यही है कि इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं होता। कुछ सेकंड हमने इसको अच्छे से कुक किया, अब इसमें हम बेकिंग पाउडर डालते हैं। इसको भी अच्छे से मिक्स करते हैं। कुछ मिनट इसको ऐसे पकाएंगे हल्का सा। अब इस पॉइंट में इसको हम जमाते हैं। देखिए जिस भी शेप में आपको जमाना हो इसे डाल सकते हैं और जमा सकते हैं। देखिए जब ऐसे सेट कर लिया हमने इसे, अब इसको 5 से 10 मिनट इसको ठंडा होने देते हैं। और जैसे ये ठंडा होगा फिर इसको मैं निकाल के दिखाती हूँ कि ये कैसा बना है। ओके, तो देखिए इसको 5 से 10 मिनट हो गए हैं, इसको हम निकाल के देखते हैं। ओके, तो मैं एक निकालती हूँ। ये देखिए, देखिए कितने अच्छे से हुआ है, ये टेक्सचर भी बहुत अच्छा आया है, कलर भी बहुत अच्छा आया है इसका। ये देखिए इसको मैं ऐसे सारों को अच्छे से निकाल लेती हूँ। तो ये है हमारे बताशे, फटाफट बनने वाले। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।